हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। आज जो है ना फ्रेंड्स, हम एक चाट आइटम बनाने वाले हैं जो कि बॉम्बे की बीच पर, अगर आप कभी गए होंगे मुंबई में तो वहाँ के बीच पर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ के हर एक डिश आपके साथ शेयर करूँ। तो आज हम लेकर आए हैं रगड़ा पैटीज। तो रगड़ा पैटीज बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि हर चाट में होते हैं वैसे ही, बस अलग इसमें हम बनाने वाले हैं, तो वो होगी आलू वाली पैटीज। तो यहाँ पर मैंने ले लिए है सफ़ेद मटर। ये सफ़ेद मटर को मैंने 8 घंटे के लिए भिगो कर रखा। उसके बाद में इसको मैंने कुकर में डालकर उबाल लिया है। 4-5 सीटी हमें इसकी लगा लेनी है ताकि ये इस तरह से बन जाए। बाद में जो हमारी दाल मखनी रहती है उससे मैंने इस तरह से खाली इसे मैश कर लिया है। इतना थोड़ा सा पानी इसमें रहना चाहिए। तो ये मटर मैंने ले लिए हैं। लगभग मैंने 1 कटोरी के करीब मटर भिगोए थे, तो वो उबलने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से हो गए। तो ये हमें थोड़े गरम रखने हैं, एकदम ठंडे वाले नहीं लेने, तो ये गरम ही है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है हरी चटनी। इसकी रेसिपी और मीठी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आप हमारे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हो, इन दोनों की रेसिपी मैंने सेपरेटली शेयर की हुई है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है बारीक सेव, नायलॉन सेव या जीरो सेव भी इसे कहते हैं, तो वो ले ली है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टमाटर चॉप करके, हरा धनिया चॉप करके, प्याज चॉप करके, बारीक बारीक हमें इसे चॉप करना है। यहाँ पर मैंने चाट मसाला ले लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और टेस्ट के लिए नमक ले लिया है यहाँ पर। और ये है मीडियम बड़े साइज के 2 आलू, जिन्हें मैंने उबाल कर छिलके उतार कर उन्हें इस तरह से मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन मैश नहीं करना है, थोड़े से आलू इस तरह से इसमें रहने चाहिए ताकि खाते वक्त ये दांत में आए तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं पैटीज से। इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता चल ही गए, पैटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो आलू हमने पहले लिए हुए हैं, तो पहले आलू से शुरुआत करेंगे। आलू के पैटीज बनाने के लिए उबले हुए ये आलू हमें लेने हैं। इसमें स्वादानुसार हम नमक ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि चटनी वगैरह में भी रहेगा तो उसी हिसाब से डालेंगे। ये हल्दी पाउडर मैंने 1 चुटकी ले ली है, तो इसे भी इसके साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। आलू हल्दी और नमक के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम जो चाहे वो शेप देकर हमारी जो पैटीज है वो रेडी कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर गोल शेप ही दे रही हूँ, कि अक्सर वहाँ पर हार्ट शेप की भी बने रहते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम चला जाता है बहुत ज़्यादा उसमें, तो इसलिए मैं इस तरह से एक पेड़ा ले लूँगी। एक बड़ा सा हमें लड्डू की तरह बॉल लेना होगा, और बस इसे हाथों पर इस तरह से हम प्रेस करेंगे। एक मोटी वाली पैटीज बनाकर रेडी करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। तो इसी तरह से हम सारी पैटीज बना लेते हैं। हमने इक्वल साइज के पोर्शन हटाकर ये इस तरह से 4 पैटीज हमने बना लिए हैं। अब हम एक साइड में पैन गरम होने के लिए रख देते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी रख दिया है, और उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल भी डाल दिया है। ये इस तरह से हमने ऑयल डाल दिया है, सारी जगह पे फैला देंगे, और इसमें हम अपनी पैटीज पकने के लिए रख देंगे। बस इसे हमें गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, बहुत कम ऑयल में हमें इसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, एक साइड से ये अच्छे से हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे करना है, क्योंकि अंदर तक आलू जो है गर्म हो जाने चाहिए। तो 3-4 मिनट के बाद ये एक साइड से हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस साइड से भी हो गया है, दूसरे साइड से भी हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है, पर मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे करना होगा। पैटीज अब हमारी दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, पूरी तरह से गर्म भी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमने वही पैन ले लिया है, इसमें अब हम ये मटर डाल देंगे, क्योंकि हम जो पैटीज बनाने जा रहे हैं रगड़ा पैटीज, वो एकदम गर्मा गर्म रहते हैं। उनकी जो बीच पर उनका है ना, वो सिगड़ी नीचे से लगा हुआ रहता है, और कंटिन्यूसली उसके ऊपर ये मटर और पैटीज जो है तवे पर रखे हुए रहते हैं, और वो कंटिन्यू चालू रहता है, और गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है। ये परोसते हैं जब सर्व करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम भी इसे गर्म ही यूज़ करेंगे, इसलिए अभी पैन हमारा गर्म है, आप देख सकते हो। वैसे भी मटर गर्म ही थे, और थोड़ा सा गर्म कर लेंगे इसे, और फिर बनाना स्टार्ट करेंगे।
ये गरम हो चुका है अच्छी तरह से। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है फ्रेंड्स। अब हम पैटीज, रगड़ा पैटीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है ये, तो बनते बनते इसकी जो स्मेल है रहती है ना सारे इंग्रेडिएंट्स की, वो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग रहती है, एकदम से खाने को मन करेगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से एक चौपाटी पर भी इस तरह की प्लेट्स लेते हैं, यूज एंड थ्रो की पेपर प्लेट, तो मैंने भी इस तरह की ले ली है। अब हम इसके ऊपर एक एक सबसे पहले पैटीज रखेंगे इस तरह से, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे मटर जो कि हमने रखे हुए थे व्हाइट कलर की मटर, तो ये हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से टमाटर के टुकड़े, थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर प्याज, प्याज आपको जितना अच्छा लगता होगा उतना डालना, मैं तो काफी सारा यूज करने जा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ये जो हमने चटनी ली हुई है ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर की चटनी सबसे पहले इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा। और आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जो मैंने मुंबई चौपाटी की चना चाट डाली थी उसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा उसकी तारीफ हुई, और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं जो कि मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ और सभी के रिप्लाई देती हूँ। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं मीठी चटनी, तो मीठा आपको जितना जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप डाल सकते हो, हरी चटनी मीठी चटनी बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, अब हम डालेंगे इसके ऊपर नायलॉन सेव इस तरह से, देखिए देखने में ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये, और खाने में तो पूछिए ही मत इतने अच्छे लगेगा ये। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं यूं चाट मसाला, जितना आपको चाट मसाला अच्छा लगता है इसका टेस्ट उतना आप डाल सकते हो बड़े आराम से, तो मैंने ये डाल दिया है। ऊपर से फिर से हम थोड़ा सा मीठा चटनी डालेंगे यूं, और थोड़ा सा हम डालेंगे हरा चटनी। और ये बनकर एकदम रेडी है हमारा मुंबई की चौपाटी का फेमस एकदम रगड़ा पैटीज फ्रेंड्स। ये बहुत ज्यादा टेम्पटिंग डिलीशियस लगता है, आप इसे जरूर बनाइए, आप खाइए, आपके घर में सभी को खिलाइए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जब भी ना हम नए वीडियोस बनाएंगे तो उन्हें देखने का मौका आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।